YouTube फैमिली, क्या हाल चाल। मैं आ चुका हूँ क्रिकेटर शॉप मोहाली फेस 11। आज बहुत ही स्पेशल डे है। सौरभ जी ने मुझे फ़ोन करा, एक स्पेशल गिफ्ट आया है फ्रॉम दी ब्रांड SG। तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको वो क्या स्पेशल गिफ्ट है। तो अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या गिफ्ट आया। और यहाँ पर हैं ऑल टाइम फेवरेट चाचू जी और टीम मेम्बर्स सलीम जी एंड शुभम जी। और यहाँ पे हैं सौरभ जी, जिन्होंने जस्ट फोन करा। मैं रख देता हूँ अपना बैग, आप बैक साइड में रखिए, फिर हम इसको दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कि क्या आया है हमारे पास। तो जैसा ही अंकित भाई आप देख सकते हो और आप भी हमारे व्यूअर देख सकते हैं कि बॉक्स कितना बड़ा है आज, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो मैं एक बार ही दिखा दूं, जो आपके कमेंट्स में आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं अपना। एनी आइडिया गाइस? मुझे पता है कि आपको आइडिया लग चुका है, फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आपको वीडियो में तो दिखाऊंगा सौरभ जी के साथ। चलो कर देते हैं अनबॉक्सिंग। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीज देख के आइडिया तो लग चुका होगा, बट इसके अंदर कैसा निकलेगा वो चीज हम दिखाने वाले हैं अभी। और जैसा बॉक्स बड़ा है वैसे इसका साइज भी बड़ा होगा, तो मुझे एक हेल्प चाहिए होगी बैट को उठाने के लिए। तो इसको बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं पहले। तो आप इतने में इसका कटर की हेल्प से अनबॉक्स करो। तो यहाँ से मैसिव चीज निकलनी शुरू हो रही है। तो एज यूजुअल की तरह मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका वेट कितना होगा इस चीज का। वेट आज हम करके दिखाएंगे आपको। इसका वेट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो आपको हेल्प चाहिए चाचू जी की, मैं बुलाऊं उनको? आ जाओ चाचू जी, आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। तो ऑन योर डिमांड। तो चाचू जी यहाँ पे आ गए। ये आ गया बैट। अब इसकी हम कर लेते हैं पैकिंग ओपन। तो यहाँ पे अनपैकिंग कर रहे हैं अभी कस्टमर आ गए। चाचू अभी थोड़ा बिजी तो चाचू जी यहाँ पे थोड़ा बिजी हैं अभी क्लाइंट हैंडलिंग में। तो इतने में सौरभ जी अकेले आपको इसको अनरैप करते हुए दिखाएंगे। मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज क्या आती थी बचपन में, ये बबल्स। ये बबल्स को आपको मैं याद ताजा करा रहा हूँ साथ साथ। जब भी कोई नई चीज आती थी तो हमेशा बच्चे इसके पटाखे हो जाते थे। अभी बैट का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये बैट ऑब्वियसली बात है खेलने के लिए नहीं, लेकिन डिस्प्ले के लिए जरूर रहेगा। और इसका ये देखिए, ओह माय गॉड। तो मुझे लगता है ये मॉडल है। सौरभ जी आपकी हाइट कितनी है वैसे? मेरी 5'8" है और ये बैट जहाँ तक लग रहा है मेरी हाइट से भी बड़ा ही। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये SG, ये देखिए बैट आ गया ये आपका सामने बिल्कुल। अब SG ने इसमें देखिए कितना अच्छे से काम किया कि प्रॉपर हैंडल दिया है और उसके साथ ही पूरा एज बॉटम और उसकी बैक साइड प्रोफाइल पूरी जैसे कंकेविंग दी हुई है। अदरवाइज इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी ज़्यादा है इसका वेट, बट उसको ये देखिए क्या फीलिंग लग रही है आपको? बहुत भारी है। बहुत भारी। चलो एक बारी मैं चाहता हूँ कि इसको मेजरमेंट करो अपनी हाइट से, नीचे रखो इसको। ये एक ऑनर्ड है बस SG की तरफ से कि उन्होंने हमें ये स्पेशल बैट भेजा फॉर डिस्प्ले। और एक SG ने कितना अच्छा क्राफ्टमैनशिप इसमें भी दिखाई है कि प्रॉपर बैट बना के दिया आपको, एजेस दे रहे हैं, उसके साथ ही हैंडल को एडजस्ट करना, बैट के हिसाब से हैंडल की थिकनेस को बढ़ाना, एक वो चीज बहुत अलग रहती है कि नॉर्मल बैट में हैंडल एक सब में सेम ही आता है, बट इसका हैंडल के साथ दिया है जैसे काफी छोटा हैंडल है, बैट के हिसाब से हैंडल को एडजस्ट किया हुआ है इसमें। कुछ इसमें बताओ कि हैंडल, ये राउंड हैंडल है, राउंड हैंडल जो नॉर्मल हैंडल आता है जैसा वो राउंड ही है बिल्कुल, बट ये हैंडल इसका इतना थिक है कि हमारे पूरे हाथ में नहीं आने वाला ये। ठीक है। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कई बार कमेंट करते हैं कि ये वेस्टेज है वुड की, तो मैं आप सबको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है कंपनीज के पास
उसको यूज करके ये टोकन ऑफ लव देते हैं कि कहीं ना कहीं यूज में आए चीज, ये कहीं ना कहीं आपको यूज में आएगी, कहीं ना कहीं व्यू में आएगी, सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्रिएट करता है, इसलिए टोकन ऑफ लव हमें देती है। ठीक है, तो कई बार ये कह देते हैं ना कि ये नन ऑफ यूज है, यानी कि इससे तो हम खेल ही नहीं सकते, एग्जैक्टली इससे नहीं खेल सकते, बट कुछ चीजें होती हैं, कोई चीज खेलने के लिए नहीं, कोई चीज डिस्प्ले के लिए अच्छी लगती है, कहीं हम जैसे लगाएंगे, जैसे काफी बैट है डिस्प्ले में देख सकते, उसके साथ एक बड़ा बैट दिखेगा, यूनिक आ जाएगा, एक तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज है ये, और सबसे बड़ी बात है गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, गिफ्ट तो फिर कुछ भी हो, छोटी चीज हो बड़ी हो, सबसे बड़ी गिफ्ट ही है। चलो इसका वेट कर लेते हैं एक बार, इसका मैं आपको वेट चेक करा देता हूँ। तो यहाँ वेइंग स्केल है हमारे पास, इसका वेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 8 से 7-8 के बीच में, इससे 72-7 किलो के अप्रोक्स इसका वेट है, 7.5 किलो, हाँ। और इसकी हाइट जैसा मैं कहता हूँ, एक बार यहाँ रखो, ऐसे नहीं बात बनती, अपने साथ रखो, ये मेरे से भी बड़ा हाइट में देखिए, तो यहाँ से मैं आपको दूर फोकस करूँ तो आपको और दूर लेके जाऊँ, तो आप सौरभ जी के देख लो कहाँ पर मैच हो रहा है एकदम से, ये मेरे से भी बड़ा बैट हाइट में, तो ठीक है। और इसमें आपको क्या, ये देखिए ध्यान से, ये बैट इतना बड़ा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल आएगा, आप जो कनकेविंग कह रहे थे, कनकेविंग है, एक बैट की प्रोफाइल वैसे नॉलेज के लिए बता रहे थे, फुल प्रोफाइल आता है, और ये चीज जैसे इसमें ये कनकेविंग आ गई है ना, ये वुड में कनकेविंग है, और जो फुल प्रोफाइल बैट होते हैं यहाँ पे वुड पूरा भरा होगा, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल आप दे रहे हो कनकेविंग का, कनकेविंग इसे कहते हैं, जो कनकेविंग आती है उसको, इसको कहते हैं कनकेव है ये, ठीक है, जो स्पाइन से थोड़ी वुड निकली होगी, जो ये फुल वुड आ जाएगी वो स्पाइन पे, वो फुल प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे चाचू जी भी अब फ्री हो चुके हैं मेरे ख्याल, उन्होंने कस्टमर डीलिंग कर ली है, तो चाचू जी प्लीज आप आए, तो कुछ शब्द कहें एस जी के बारे में और इस बैट के बारे में, आपको कैसा लगा सबसे पहले बैट जब अनबॉक्स हो रहा था लाइवली आपके सामने, क्या फीलिंग आ रही थी आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा ना, बट ये थर्ड बैट है इसलिए ज्यादा कोई पता था भी क्या हो सकता है, क्या देखिए जैसे बॉक्स एक्साइट बड़ा था, एक्साइटमेंट है वो नहीं पता था भी, हाँ यार क्या चीज, क्योंकि बॉक्स इतना बड़ा था, मैं बहुत पहले भी इतना बड़ा बैट आ चुका, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसा दिखाया था, और फिर आप थिक से थिक बैट भी हम देख चुके हैं और दिखा भी चुके अपने व्यूअर्स को। देखो बात आपकी बिल्कुल जस्टिफाइबल है, अब लोग रिक्वायरमेंट रखेंगे कि पिंग टेस्ट, तो पिंग टेस्ट आप कैसे करोगे? इसका वेट बहुत ज्यादा, अगर वो डबल ब्लेड होता हम जरूर करके दिखाते, बट इसका हाइट और वेट इतना ज्यादा है कि हम इसका पिंग टेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इसकी एजेस को मैं आपको बता सकता हूँ चेक करके कि कितनी इसकी एजेस है। इसकी एजेस रहेंगी नॉर्मल 63.7, जो कि हर बैट का स्पाइन होता है इतना 65-67 तक इसकी, बट उसकी एजेस इतनी है, ठीक है। और इसका टो, टो इसका ऑलमोस्ट 30 तक ही है, ठीक है। कई बार ऐसे क्रिकेट लवर्स होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमारे को टो हैवी चाहिए, एजिस मैसिव चाहिए, स्पाइन के साथ बहुत बढ़िया बैट चाहिए, अगर सारी वो जो चीज आप बात, जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो जो वो मांगते हैं जिस बैट से, जो प्लेबल बैट है, दिस इज नॉट प्लेबल बैट, ऑलराइट, दिस इज नॉट प्लेबल बैट। तो ये किस बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसको डेडिकेट करोगे बैट, या फिर क्रिकेट इंडस्ट्री में किसको डेडिकेट करोगे कि ये बंदा परफेक्ट है इस बैट को उठाने में? उठाने के बाद मैं तो कह रहा हूँ हाइट ही इसकी बैट की इतनी बड़ी कि नहीं पॉसिबल नहीं इसको प्रॉपर उठा के स्टांस लेना, क्योंकि मेरे से बड़ा तो हाइट में बैट ही है ये। चलो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नहीं है, क्रिकेट इंडस्ट्री में भी क्रिस गेल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, 6 फुट की उसकी हाइट है, 6 फुट से ऊपर का बैट कैसे उठाएगा? ठीक है, तो मैं फिर कहीं आउट ऑफ द बॉक्स ले आता हूँ WWE से खली सर वो आप ही कोशिश कर सकते हैं। चलो अगर आप लोगों का प्यार रहा और क्रिकेटर शॉप का सपोर्ट रहा, तो खली भी मैं कमिट नहीं कर रहा, तो मे भी उससे कुछ ना कुछ अनबॉक्सिंग यहाँ जरूर होगी। अब लोग इसको भी टिप नहीं कसेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट देते रहे। कुछ और क्वेरी हो यहाँ से, कुछ और प्रोडक्ट आपको देखना हो, तो आप हमें cricketershop.com पे देख सकते हैं और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। कुछ भी एक्सेसरीज आपको चाहिए क्रिकेट स्पोर्ट क्रिकेट से रिलेटेड, तो अवेलेबल रहेगा। टिल देन बाय बाय।